Namaste. Adab. Thank you. Good evening. Hi, hi. Thank you, sir. हाँ जी बहुत ही खुश हूँ सर. अच्छा लगा, लोगों को काम अच्छा लगा जब कभी. और आप मीडिया वाले तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा से अच्छे थे, इंशाल्लाह हमेशा अच्छे रहेंगे. और हाँ ठीक है, ऐसे सब बोलते नहीं हैं लेकिन बस तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उतना ही है. पिंक इज इजीली माय फेवरेट कलर, उतना तो मैं बोल दूंगी. गुलाबी रंग हमें बहुत पसंद है. फेवरेट स्टाइल आइकॉन बचपन से जो देखती आई हूँ, मैं अपनी दादी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. जी जी यस. I mean, I think I remember her like anybody in this country, which is just as the epitome of grace, the epitome of beauty. Unse umda kalakar mujhe nahi lagta hai humne kabhi bhi dekha hai. Aur bittersweet thing to say, lekin mujhe nahi lagta kabhi dekhenge bhi. Aur I'm a die-hard Sri Devi fan. Aur bas utna hi kahungi. Sir, is baare mein mujhe nahi lagta hum baat kar sakte hain. प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे नहीं करते हैं सबके सामने. अप्रूव्ड है ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता क्या कहना चाहिए. ओके ओके. So I don't mean to sound funny at all, but I think that my father is an extremely talented actor and I'm extremely proud of his work. Aur mujhe lagta hai ki jo bhi kirdar wo nibhayenge bakhubi nibhayenge aur utna bharosa to hai un par. नहीं नहीं वो फादर रह चुके हैं. मुझे याद है तारा रंपम के वक्त भी वो किसी के फादर थे. मुझे बहुत बुरा लगा था तभी, मुझे लगा था अरे ये तो मेरे फादर है, लेकिन सब चलता है फिल्मों में, इट्स ऑल गुड. नहीं सर, ये भी गलत अफवाह है. मैं मॉम के साथ रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ और बस इंशाल्लाह बहुत समय तक उनका ही दिमाग खाती रहूँगी. मैं हर जगह सामान लेके जाती हूँ. थैंक यू सो मच. जल्दी आइए ठीक है, आ जाओ लेकिन जा रहे. On the way back is better.
This is my first time at Femina Beauty Awards, so I loved it, and I'm glad I'm here tonight celebrating this wonderful evening with you all. Well, beauty business mein jo involved hai, unko award kiya ja raha hai, and I think it's such a unique thing because pehle aise awards nahi hote the, and beauty products are so important, and unko hum credit de rahe. I think this is a wonderful thing that Femina is doing. आप सब लोगों को थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाँ या वेल शूटिंग अभी चल रही है, फिर शायद वेरी जल्दी रिलीज हो जाएगी फिल्म. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोडक्शन टू अनाउंस द रिलीज डेट, बट शूटिंग तो काफ़ी हो चुकी है और थोड़ी बैलेंस भी है. बहुत ही अच्छा रहा. वेल मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. साउथ में फिल्में की हैं मैंने ऑलमोस्ट 20, मगर हमेशा बचपन से बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहती थी, तो फाइनली यू नो मेरे लिए एक इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड टू मी, एंड या आई एम हैप्पी टू बी हियर. माय मॉम, माय मदर, आई वुड से माय मदर इज लाइक द मोस्ट आइकॉनिक ब्यूटी, बिकॉज I think anything or anybody in front of her, like she is the most beautiful woman in my life. Yeah, and also Shridevi ma'am and Audrey Hepburn, I would like to say. Yeah. देखिए मैं एक्ट्रेस बनी हूँ क्योंकि मैंने उन्हें स्क्रीन पे देख के उन्होंने मुझे सिखाया है सपने देखना, एंड शी इज़ माय रोल मॉडल, माय गॉडेस. मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, एंड दे कैन नेवर बी एनीबडी लाइक हर. और इतना मैं फील क्लोज करती हूँ उनके साथ, हालांकि मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, साथ में एक पिक्चर लिया है, मगर मैं आई थिंक शी इज़ द मोस्ट अमेजिंग एक्ट्रेस. या मैंने काम नहीं किया, मैं उनसे मिली थी और उनसे उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ ली है मैंने, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है. और ये मैं दुबई में मिली थी उनके साथ, सेम डेट जो दिन उनकी देहांत हो गई उनकी, तो वो 5 साल पहले सेम डेट पे मैं फेब्रुअरी में मिली थी दुबई में. सो आई जस्ट लव हर एंड आई मिस हर वेरी वेरी मच. बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन मुझे लगी और बहुत ही अकोमोडेटिंग. जैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम आई वुड लव टू टेक अ पिक्चर विथ यू, तो और मैं मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ देख के आई मीन यू नो मुझे एक एक्ट्रेस बनने की इच्छा मेरे में आई है, तो I think she is, the credit goes to her. If I want to be an actress, it's because of Shridevi ma'am.
Yeah. Because I mean, she's irreplaceable. Yeah. Definitely. Definitely, मैं दूँगी. Definitely. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Namaste. Last year. Well, we are here to celebrate beauty, and I am just hoping that it's a beautiful night ahead. What do you mean, what is beauty? Beauty. Well, beauty is not about just what is seen outside. I think if a person is not beautiful on the inside, then I think the outer beauty doesn't really matter. Okay, your favorite beauty icon? Kareena Kapoor Khan. He just asked me that. I think Rekha ji. वेल श्रीदेवी जी के बारे में मैं जितना मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आता है. आई नो फॉर अ फैक्ट आई रिमेंबर जब मैं बड़ी हो रही थी मेरी मम्मी जो है थी वो श्रीदेवी जी की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन थी. उस टाइम वो उनकी टाइम की हैं तो आई रिमेंबर माई मदर यूज़ टू ट्राई ड्रेसिंग अप लाइक श्रीदेवी जी. वो जो जॉर्जेट साड़ियाँ और वो सारी जो उन्होंने वो चांदनी टाइम. सो या आई थिंक आई हैव हैड अ श्रीदेवी जी फैन इन माई हाउस. सो व्हाट मोर कैन आई से. आई हैव मेट हर. मैंने उनको ओकेजनली ही मतलब ऐसे ओकेजन्स पे ही मिले हैं तो ऐसे पर्सनली आई डिड नॉट रियली गेट अ चांस टू मीट हर. चालबाज, मिस्टर इंडिया, बहुत सारी है. लम्हे, देर आर सो मेनी. आई कॉन्ट रियली नेम वन श्रीदेवी फेवरेट फिल्म. आई कैन नॉट. ऑफकोर्स यस 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 क्योंकि ऑफकोर्स आई मीन उनकी जर्नी जो थी वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज से शुरू हुई थी. एंड ऑफकोर्स शी आई रिमेंबर मुझे पता है स्टोरीज़ के भाई उनकी डेट्स पहले ली जाती थी और फिर बाद में हीरोज सेलेक्ट हुए जाते थे जबकि उस टाइम पर ये दूसरी कोई एक्ट्रेसेस को आई डोंट थिंक ये प्रिविलेज होता था. तो ऑफकोर्स शी इज़ द सुपर स्टार. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.